मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको जीके में यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि आपको क्या है, डीप समरी एनिमल्स। ठीक है, मतलब नहीं ऐसे जानवर जो कि क्या करते हैं, मतलब पलक झपकते ही झपकी लेते हैं, ठीक है, और फिर अचानक वो उठ भी जाते हैं। ठीक, मतलब इट मीन्स कहने का हमेशा ये लोग चौकन्ना रहते हैं। आगे देखिए, कह रहे देयर आर सम एनिमल्स विच आर नॉट एबल टू को कोल्ड क्लाइमेट एंड हैंस दे गो फॉर ए लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द विंटर। देखिए कुछ जानवर क्या होते हैं, इस योग्य नहीं रहते कि वे ठंडी जलवायु में भी रहने, और क्या कहते हैं, मतलब ये लोग कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो ठंडी में सो रहे हैं तो सोते ही रहते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिन तक क्या करते हैं, सोते ही रहते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड आपके बहुत जानवर नीचे दिए हुए हैं, बहुत से एनिमल्स दिए हुए हैं, तो उसको आप लोग बुक खोलिए, इनके बारे में बताते हैं आपको। कह रहे लुक एट द पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स दैट हाइब्रिड गो टू स्लीप इन द विंटर एंड राइट देयर नेम्स बाय यूजिंग द हैंड बॉक्स। आप इन पिक्चरों को देखिए, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक ये लोग सोते हैं। तो पहला आपका क्या है, पोलर बियर। ठीक है, पोलर बियर देखिए, ये एकदम व्हाइट कलर का रहता है, एकदम सफ़ेद रंग का रहता है, और इसकी खास बात ये है कि एक ऐसा भालू है जो कि केवल कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक महासागरों के आसपास इसको ज़्यादातर देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपका सेकेंड है आपका न्यू, ये क्या है, उभयचर प्राणी, मतलब कि ये जैसे घरों में आप लोग छिपकलियाँ देखते होंगे, तो वे लोग करती क्या है, छोटे मोटे कीड़े पकड़ों को मतलब दबोच लेती है, खा लेती है, तो ये दूसरों पर आश्रित रहती है। उसके बाद है आपका वूडचक, ये भी क्या है, गिलहरी की तरह दिखता है, ठीक है, ज़्यादातर ये लकड़ियों के आसपास आपको ज़्यादा दिखेंगे ऐसे। उसके बाद क्या है, शंख, इसका आप देखेंगे तो ये मतलब एक बदमाश टाइप का रहता है, मतलब कहेगा कि एक जगह नहीं रहेगा, यहाँ आए तो वहाँ घूम के चला गया, मतलब ये हमेशा घूमता ही घूमता रहता है। उसके बाद देखिए बर्ड, इसका मतलब है आपका चमगादड़, चमगादड़ की एक अच्छी आदत आप लोग देखेंगे कि ये हमेशा उल्टा रहता है, उल्टा आप जब भी देखेंगे तो ये उल्टा लटकता हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए, ये आकाश में उड़ने वाला एकमात्र ऐसा पक्षी जो कि क्या है, स्तनधारी। देखिए सिक्स नंबर सेलेवेंडर, ठीक है, ये आपको छिपकली की तरह दिखेगा, छिपकली की तरह आप लोग बुक में देखिए, छिपकली की तरह दिखेगा, और इसकी एक खास बात क्या रहती है कि इसकी जो मतलब छिपकली जैसे रहता है तो आगे पंजे भी रहते हैं, पीछे भी रहते हैं, तो आगे वाले में इसकी चार उंगलियां रहती हैं और पीछे वाले में पांच उंगलियां रहती हैं, ये इसकी खास बात है। उसके बाद देखिए आपका चिपमंक, ये भी गिलहरी है, आप लोग देखते होंगे अगर आपके अगल बगल पेड़ वगैरह रहते होंगे, खासकर नीम के या छोटे मोटे, तो आप लोग ये देखेंगे कि जैसे कुछ गिरा रहता है तो ये लोग उसको दबाती जल्दी से खा के भाग जाती है, आप सोचें कि इनको थोड़ा पकड़ लें, आप नहीं पकड़ सकते। उसके बाद देखिए आप क्या है, रैकून, ये भी एक प्रकार का आपका जानवर है। उसके बाद देखिए बॉक्स टर्टल, ठीक है, ये देखिए कछुआ और खरगोश की कहानी आप बहुत सुने होंगे, तो इसके बारे में एक चीज़ और आप खास बात सुन लीजिए कि कछुआ अगर उसको लगता है कि मुझे मेरे पर कोई खतरा आने वाला है या मुझे पकड़ने वाला है, तो वो अपने शरीर को एकदम सिकोड़ लेता है, सिर्फ ऊपर उसका जो ऊपर का जो भाग रहता है उसका सिर्फ वही आपको दिखेगा, लगेगा कि कोई चीज़ रखा हुआ है यहाँ पे। और इसकी एक खास बात क्या है कि इसकी जो उम्र रहती है ये 300 वर्ष से अधिक रहती है, मतलब कि 300 साल से भी ज़्यादा ही जिंदा रह सकता है। तो ये चैप्टर आपका आज ही खत्म हुआ, ठीक है, इसको आप बुक में फिर कर लीजिएगा और लड़ लीजिए।